हो चाहे शहर में, डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा, बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था। हम तो ये, मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपये से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं तो शराब का भी कर सकते हैं तो शराब का भी कर सकते हैं, चाहे शहर में, डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा, बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा करेंगे और वो पद यात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। हम तो ये, मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपये से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा।